सके। तो मुझे भी हौसला मिला कि गवर्नर साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद सुना और मुझे भी यहाँ बुला के मौका दिया है कि क्या कर सकते हैं हम मिलके। और जिस दिन इन्होंने कार्यभार संभाला था, मैंने भी मीडिया को यही कहा था कि गवर्नर साहब और पंजाब गवर्नमेंट मिलके काम करेंगे। हम तो एक ब्रिज का काम करते हैं गवर्नर साहब फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, और उम्मीद है कि हम इकट्ठे मिलके, क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, एक पुराना हम दूरदर्शन पे देखते थे जिसमें सभी स्टेट के लोग अपने अपने अंदाज में उस गाने को, दूरदर्शन पे आता था, तो सब स्टेट मिलकर एक देश बनता है। और फुलवाड़ी है हमारा देश एक बहुत से, और फुलवाड़ी में हर फूल का अपना रंग और अपनी सुगंध होती है। एक ही रंग के अगर फूल हों गुलदस्ते में तो उसको ज़्यादा देर नहीं देख सकते आप। गुलदस्ता इसीलिए अच्छा लगता है कि उसमें फूलों के रंग अलग अलग है। पंजाब का कल्चर और है, राजस्थान का कल्चर और है, केरला का कल्चर और है, बिहार का कल्चर और है, तमिलनाडु का और है, महाराष्ट्र का। तो हम एक मल्टी कल्चर्ड कंट्री हैं, तो हमारे पास बहुत सा टैलेंट हमारे पास, हर किस्म का टैलेंट हमारे पास है, बस उसको मौका मिलने की देर है। अगर मैं थोड़ा एजुकेशन से हट के बात करूं, तो जो रियलिटी शो चलते हैं, चाहे वो छोटे छोटे बच्चों का हो लिटिल चैम्प, चाहे वो लफ्टर चैलेंज, चाहे वो किसी और फील्ड में कंपटीशन कराते हैं, तो छोटे छोटे कस्बों से जो लोग आते हैं वंडर्स करते हैं। वो मतलब जजेस जो हैं वो कई बार रोने भी लगते हैं और कई बार वो सकते में भी चले जाते हैं कि क्या टैलेंट है, कहाँ था तुम अब तक। बस यही है कि मौका मिलना चाहिए। देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं जाता हूँ यूथ में, मैं एक बात कहता हूँ कि देखो जो जहाज होता है उसके इंजनों में बहुत ताकत होती है, 747 787, 350 पैसेंजर, खुद का वजन, लगभग 225,000 लीटर तेल, उन सवारियों का सारा सामान, वो सब कुछ लेके उड़ जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि जब वो जहाज एयरपोर्ट पर गेट पर खड़ा होता है, गेट पर लगा खड़ा होता है, तो उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि जहाज का यहाँ बैक गियर नहीं होता। उसको एक ट्रैक्टर आता है छोटा सा, वो थोड़ा पीछे करता है, सीधा करता है उसको, फिर उसको रनवे वाला रास्ता नज़र आ जाता है जहाज़ को, फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, अब तेरा काम ख़त्म है, अब मेरा शुरू है। उसके बाद उसके इंजनों पर डिपेंड है कि वो 35 मिनट बाद दिल्ली से चंडीगढ़ उतरेगा या फिर 14.5 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरेगा, ये तो उसके उन इंजनों पर डिपेंड है। मेरा यूथ जो है पंजाब का भी, देश का भी, यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ हम हैं, तो मेरे यूथ में कोई कमी नहीं है, इंजनों में बहुत ताकत है, बड़े बड़े जहाज़ों की इंजनों के बराबर ताकत है, लेकिन कोई टीचर ट्रैक्टर बन के अगर थोड़ा सीधा कर दे, कोई यूनिवर्सिटी एक ट्रैक्टर का पार्ट अदा करके उसको रनवे की तरफ सीधा कर दे, आगे उड़ना उसका काम है। एक बार सीधा हो जाए वो, उसको रास्ता मिल जाए कि हाँ मैं जाना है। दुनिया का कोई भी रनवे जहाज को ऊपर नहीं उठाता, सिर्फ मौका देता है कि उड़ जा, 5 मिनट बाद उसी रनवे से एक और उड़ता है, 5 मिनट बाद उसी रनवे पे कोई उतरता भी है। तो जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारा बहुत ही कमाल का है, यूनिवर्सिटीज़ हमारी कमाल की हैं, और हाँ थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में समस्या रहती है, कोई यूनियन बन जाती है या कोई ग्रुपिज्म हो जाता है तो थोड़ा प्रभावित भी हो जाता है ऐसा, चलो ये चलता है लेकिन उसको ठीक करेंगे। तो एक जर्मनी में हमने एक देखा, म्यूनिख में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है मेकर स्पेस। हम वहाँ पे गए, क्या है ये, वो 4-स्टोरी बिल्डिंग है। तो मेकर स्पेस क्या है, उन्होंने अपने आसपास की यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से पूछा आपकी लैब में हर रोज कितने बच्चे आते हैं। किसी ने 80 कहा, किसी ने 100 कहा, किसी ने 200 कहा। तो उन्होंने कहा कि आपकी लैब में 80 बच्चों की ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है आपस में, आपके 150 की होती है, 200 की होती है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आपको एक कॉमन प्लेस बना के दें, आप सारे बच्चों को हमारे पास भेजो, यहाँ पे 2,500 से ज़्यादा बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी आपस में, ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक। स्पेस शटल का भी वहाँ पे ट्रेनिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे फर्नीचर बनाने का काम भी है कि किचन कैसे बनानी है, यहाँ से लेके वहाँ तक। और आसपास की यूनिवर्सिटियों से बच्चे आते हैं और अपना अपना मशीनें हैं, मशीनों पर काम करते हैं, और आपस में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है तो कोई ना कोई नया आइडिया निकलता है, नए आइडिया से कुछ और आइडिया निकलता है,
मशीनें बनाने वालों को ये फ़ायदा हो गया, वो अपनी लेटेस्ट मशीन लेटेस्ट कंप्यूटर उनको दे देते हैं फ्री में, इसको यूज़ करो, अगर उसमें कोई कमी है तो, अभी लॉन्च किया नहीं होता वो मशीन को मार्केट में, तो वो कमी निकाल के लॉन्च करते हैं बजाय इसके कि रिकॉल करनी पड़े वो कि इसमें ये कमी है। और दूसरा, जो बच्चा किसी मशीन पर ट्रेनिंग लेगा, जब वो किसी फैक्ट्री में जाके काम करेगा किसी भी बड़े अहदे पर, तो वो वही मशीनें मंगाएगा जिस पे उसने ट्रेनिंग ली है, तो उनका भी कंपनियों का भी ये रहता है, लालच रहता है। ऐसे ही हमें यहाँ के करना चाहिए, मेकर स्पेस हमें एक शहर में नहीं, हमारे मतलब अगर 40 यूनिवर्सिटी हैं तो चार तो कम से कम 10-10 यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा करके, गवर्नमेंट के पास अपनी जगह है, जगह जगह पे हमारे पास लैंड पूलिंग है, ऐसा कुछ इकट्ठा करें। हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं अभी, उसको बिजनेस ब्लास्टर बोलते हैं, स्कूलों में 5-5 बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये हम देते हैं कि 25 हज़ार में आप कुछ भी करो अपना अपना, तो इसको बड़े लेवल पे किया जा सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट और आने वाली दुनिया का जो काम है उसमें जाएं। अब वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन और पंजाबी और इंग्लिश कंपलसरी, ये वाले सब्जेक्ट तो अब मेरे ख्याल में नहीं रहे हैं कि कॉलेज में आए प्रॉस्पेक्ट लिया, प्रॉस्पेक्ट लेने तक हमें नहीं पता होता, बल्कि प्रॉस्पेक्ट में नाम भर लेते हैं, पिता का नाम भी भर लेते हैं, सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है उस वो भरने तक हमें नहीं पता होता कि हमने क्या सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ करियर गाइडेंस की कोई सुविधा नहीं है। तो करियर गाइडेंस की तरफ भी हम कर रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है, क्योंकि देखो आप यूनिवर्सिटीज़ के कच्चा माल तो हम ही देंगे ना आपको स्कूलों से कॉलेजों से, अगर आपके पास 8वीं से 12वीं तक का जो लाए हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, उसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है हम उसी की ट्रेनिंग देंगे, अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है स्पोर्ट्स में उसको ज़्यादा करेंगे, साइंस में जाना चाहता है साइंस में भेजेंगे, जब तक 12 करके वो आपके पास आएगा तब तक वो क्लियर होगा माइंड उसका कि मैं क्या करना है मैंने, बजाय इसके कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से पूछे क्या क्या है यार, क्या ले लूँ, क्या कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ, क्या ना करूँ, तब तक काफ़ी देर हो चुकी है कि हो चुकी होती है कि मैं किसी चीज़ का, हो सकता है किसी को इकोनॉमिक्स कोई बंदा वीक हो और वो कौन इकोनॉमिक्स क्यों रिकमेंड करेगा किसी और को, मैं ठीक हूँ इकोनॉमिक्स में तो मैं कहूँगा मैं करनी है, मैंने इकोनॉमिक्स लेनी है। तो हमने 43 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनकी नैक के साथ हमने जोड़ दिया है जो एक्रीडेशन है, उसमें से 3 कॉलेजों को हमारे ए ग्रेड मिला है, नैक के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, प्रबंधक आए हुए हैं, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 29 जुलाई 2024 को हमने समूह कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को बुलाया था और नैक के तहत जो ए ग्रेड स्कूल है कॉलेज है उनके प्रिंसिपल साहब को शिक्षा मंत्री साहब द्वारा सम्मानित भी किया गया, और जो जितनी भी स्कीमें हैं जैसे कुछ पीएम उषा स्कीम है उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए ग्रांट टू स्ट्रेंथन द यूनिवर्सिटीज के तहत 20 करोड़ रुपया, 11 सरकारी कॉलेजों को 5-5 करोड़ 55 करोड़ रुपया। हम नहीं चाहते विद्या जो है एजुकेशन जो है वो कर्जे में रहे, वो लोन पे रहे, तो अगर यूनिवर्सिटीज़ खुद अपना खर्चा उठाती हैं बहुत ही अच्छा है, UGC है, बहुत सी और स्कीमें हैं जो भारत गवर्नमेंट की पंजाब सरकार की, एजुकेशन को कर्जे में नहीं, फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी आती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो अभी बाबा फ्रीद यूनिवर्सिटी है या फिर आदेश है या आप कह रहे हो कि भगत सिंह ओपन यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, 40-40 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक दिक्कत है, 40 हज़ार में से सिर्फ 4 हज़ार पंजाब से, बाकी या तो साउथ से हैं या बाकी कंट्रियों से। हमारे यहाँ क्या है, कल्चर है गवर्नर साहब, 10वीं करो प्लस 2 करो और उसके बाद आईलेट्स करो, 7 बैंड ले लो बस उसके बाद कनाडा चले जाओ। हमने आईलेट्स को ही एक डिग्री मान लिया, हालांकि वो अंग्रेज़ी का एक छोटा सा टेस्ट है। तो हमारे कॉलेजों का बुरा हाल हो गया था, इवन PTU के कॉलेज जो थे 33% उनमें पिछले 2 साल पहले एडमिशन रह गई थी। अब या तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है लेकिन ज़्यादातर कनाडा वालों का है कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया कि नहीं यार इतने नहीं है ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इतना बेरोज़गारी फैल गई, धरने देने लगे वहाँ, उन्होंने बेचारों ने धरने भरने कब देखे थे ना, तो फुटपाथ पे बैठने लगे, मुर्दाबाद होने लगी, तो कह रहे हैं जी अपने घर चले जाओ जी, हमसे नहीं संभालिया। तो इस बार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठे हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस में बूम है इस वक्त एडमिशन का, क्योंकि हमने उनको कहा कि आ जाइए वापस आ जाइए, पढ़िए यहाँ पर, हायर एजुकेशन लीजिए और नौकरी मिलेगी, ए ग्रेड की नौकरी के लिए पढ़ाई करें, यूनिवर्सिटीज़
और कॉलेजेस को हमने कहा है पढ़ाइए और लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाइए, और हम उसके लिए देखो पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। हम हर विधानसभा में 117 विधानसभा 4 लाइब्रेरियाँ दे रहे हैं, मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ तो ज़्यादा बन चुकी हैं, अपडेटेड लाइब्रेरीज हैं गाँव में, बड़े गाँव में, ताकि 3-4 गाँव कवर हो जाएँ, एसी और फुली उसका वो इंटरनेट उसके पास, और हर सब्जेक्ट की किताब प्लस जो सिलेबस की किताबें भी वहाँ पे हैं। बच्चों का माहौल कई बार घर पे पढ़ने का नहीं बनता, वहाँ 70% से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, घर पे माहौल नहीं बनता पढ़ाई का, कोई आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, तो वो वहाँ आके पढ़ती हैं अपने ग्रुप बना के। तो माहौल जितनी देर नहीं मिलेगा उतनी देर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करे या रिजल्ट दे। तो जितने भी जैसे PAU है, PAU का काफ़ी पिछले कई साल पहले से ठीक नहीं था चल रहा, तो हमने BC साहब जो अभी बैठे हैं, इमाम बैठे, टिश्यू कल्चर के दुनिया में माने हुए साइंटिस्ट हैं, तो इनको जिम्मेदारी दी। वही यूनिवर्सिटी आज नए नई खोजें कर रही है, पहले PAU से तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही थी, अपना खर्चा नहीं उठा रहे थे, अब नई नई चाहे वो PR 126 है, चाहे वो अभी मूंगी का एक नया बीज निकला है, अभी 2-3 पेस्टिसाइड हमने बैन किए हैं, क्योंकि एग्रेरियन स्टेट है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और मेले लगते हैं, अब तो मेला पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता था, अब हमने उसको हर डिस्ट्रिक्ट में ले गए हैं कि लोगों को एक जगह पर ना आना पड़े, वहाँ भी मेला लगा लो, ताकि कुछ नए, अभी पराली की जो है समस्या है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की समस्या, तो ये आजकल देखो हर चीज़ साइंस से जुड़ गई है, हर फसल को बीजने के भी 3-3, 4-4 तरीके आ गए। आप उसको डायरेक्ट बीजोगे, आप उसको पहले पानी देके फिर बीजोगे, आप उसको पानी में स्विंग करोगे, हर फसल के बीजने के 3-3 तरीके, स्प्रे करने के 3-3 तरीके, खाद डालने के 3-3 तरीके, ड्रोन से खाद डालने लगी है, अच्छी बात है, एक जैसी डलती है और हाथ से जो है वो शायद पैचेस में चली जाती है। तो साइंस के बिना, AI के बिना नहीं चल सकता। हम 4 डिपार्टमेंट को AI के साथ अटैच कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड पॉलिसी, ताकि हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। मैं एक आपको गवर्नर साहब छोटी सी बात बताता हूँ, हमने मैनुअली सड़कों का सर्वे करवाया कि कितनी सड़कों में गड्ढे हैं और कितना उसका खर्चा होगा, तो 60,000 किलोमीटर गांव की सड़कें, तो उन्होंने कहा जी इतने हज़ार किलोमीटर सड़कों का हमने मैनुअली किया है, इतने गड्ढे हैं, इतनी बजरी और इतना वो लग के इसका बजट इतना बनेगा। हमने AI का सहारा लिया, एक गाड़ी में एक लेज़र रख दिया उन्होंने, उसकी डिग्गी खोल दी, एक सामने लेज़र लगा दिया, कहते बस इसको सड़क पर चलाते जाओ, ये लेज़र अपने आप उनको रिकॉर्ड करता जाएगा, कंप्यूटर उसमें लगाओ, आपको हैरानी होगी जब AI का रिजल्ट आया लेजर वाला, लगभग 4,000 किलोमीटर तो ऐसी सड़कें थी जो है ही नहीं, मतलब मेरे गांव से पास के गांव को 4.25 किलोमीटर है, उसको 6 लिख दिया, अब 6 की रिपेयर होगी ना, अब रिपेयर तो होगी, पैसा तो 6 का जारी किया जाएगा, 1.5-1.5 किलोमीटर सड़क वो जो है ही नहीं बढ़ गई, ऐसे ऐसे करके 3,000 किलोमीटर ऐसी सड़कें जो है ही नहीं, लेकिन उनका रिपेयर का पैसा मांगा जा रहा, और 60% बजट कम हो गया सर। तो हमने कहा यार ये तो मतलब कमाल है, कब से चल रहा होगा ये, तो AI जो आएगी उससे ये पारदर्शिता बढ़ेगी, और ये चीज़ें, ये नहीं है कि AI आएगी जी वही वाली जो पहले कंप्यूटर के समय फैलती थी ना बातें कि जी कंप्यूटर आ गया तो बंदे वेले हो जाएंगे, तो जी नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, जो खा जाएगा, अब आज कंप्यूटर वाले नहीं मिल रहे जो कंप्यूटर चलाना जानते हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता, दुनिया की हर नई चीज़ का विरोध होता है, दुनिया की पहली रेलगाड़ी और पहले जहाज का भी विरोध हुआ था, कैसे कैसे उड़ेंगे हवा में, ऐसे कैसे गार्डर पे चल सकते हैं लोहे के, आज उनके जो ग्रेट 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 ग्रैंड सन्स हैं जो आज जिंदा हैं, जिन्होंने विरोध किया था उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी, तो हर चीज़ का विरोध होता है, कोई बात नहीं, AI आएगी तो बहुत ही, हाँ उसका जो बैड पार्ट है वो भी आएगा साथ में, जैसे सोशल मीडिया के दोनों हैं, सोशल मीडिया अच्छा भी है, सोशल मीडिया अफवाहें भी फैलाता है, तो हमने अच्छी चीज़ को चुना है, तो AI से बहुत चेंज हो जाएगा, और आप भी AI के लिए ट्राई करो, अपने अपने अदारे में एक डिपार्टमेंट बनाओ,
मैं गया था दो यूनिवर्सिटीज़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया था, मैं लवली में भी गया था, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। मुझे दिखाया लड़के बच्चे ड्रोन बना रहे हैं और एंटी ड्रोन का भी करवा रहे हैं, कह रहे हैं जी जो उधर से आते हैं हम उनको गिराते हैं, गोली मार के गिराते हैं जब कैसे भी, लेकिन अगर हम उनको वहाँ से उड़ने ही ना दें, हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लें कि ऐसी तरंगे हम छोड़ें कि उधर से पाकिस्तान से वो उड़े ही ना, कि जी उन्होंने तो एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम लगता है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी में जैमर चलते हैं, वो मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं सारे, किसी का भी मोबाइल फ़ोन नहीं चलता। तो ये चीज़ें हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी, कि MBD किताबों से या जो लिखा है या नंबरों से हम जज नहीं कर सकते बच्चों को, बच्चों को उनकी एबिलिटी से जज करो कि वो करना क्या चाहता है। अमेरिका में जो सबसे पहली ID अगर आपकी पूछी जाती है वो है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ का एक क्राइटेरिया है आपकी IQ चेक करने का। तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नामी, पैक का बहुत बड़ा नाम है, थापर का बहुत बड़ा नाम है, GNE का बहुत बड़ा नाम है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। आपको हैरानी होगी कि बोइंग में, सियाटल में और माइक्रोसॉफ्ट में 55% इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स वो GNE से, और जो एयरफोर्स वन बन रहा है अभी नया 2028 में बन के तैयार होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लेन, उसका जो चीफ है, उसका सुपरवाइजर जिसकी अगुवाई में बन रहा है, वो GNE का पढ़ा हुआ पंजाबी है। गवर्नर साहब आइडियाज़ में हम बहुत आगे हैं, फ्लिपकार्ट हमारे बंदों का है, ओला हमारे बंदों की है ना, तो हम मतलब अभी मास्टर कार्ड का CEO पंजाबी है, कहाँ हैं हम जहाँ नहीं हैं, जहाँ भी जाते हैं हम तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जहाँ गलती से भी चले जाएं सर, कि चलो कोई बात नहीं यहाँ आ गए तो जहाँ कामयाब हो जाते हैं। तो मेहनत में हमारा कोई सानी नहीं है, हमें गुरुओं ने, शहीदों ने सख्त मेहनत करने का और अपनी 10 नावों की कमाई करने का संकेत जो है प्रेरणा दी हुई है। तो वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, हमें कोई किसी की कमी नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमें जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको रिवर्स माइग्रेशन की तरफ लाना पड़ेगा। हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, अकेला टैलेंट नहीं जा रहा, साथ में पैसे जा रहे हैं बहुत, फिर परिवार चला जाता है, फिर वो घर खाली हो जाता है, वो फिर मतलब एक समझो एक पूरा परिवार, आप द्वाबा में चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, पानी की टंकी पे जहाज बना हुआ है, आइफल टावर बना हुआ है, लेकिन लॉक लगा हुआ है, और साइकी में आ गया। हम लोग यहाँ रहते हैं 40 साल, हम यहाँ रहते हैं, हम कभी नहीं लिखते अपने नाम के पीछे कि जरनैल सिंह नवांशहर, जब बलविंदर सिंह बंगा, जब कुलविंदर सिंह फगवाड़ा, 2 महीने हम अमेरिका चले जाएं, गुरजंट सिंह USA, मतलब ये हमारे लिए ये हो जाता है कि हम मतलब शादी के कार्ड पे भी लिख लेते हैं गुरजंट सिंह USA, मैंने कहा यहाँ तो ना लिखो यार, इसमें क्या है। तो ये थोड़ा है हमारे पंजाबी कल्चर में अब्रॉड का, लेकिन तरक्की के लिए जाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी लेके जाती है तो सिस्टम का कसूर है, हमें, हम थिंक टैंक बैठे हैं, हमें भी फिर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो काम आने वाला है तो काम आ जाएगा, तो फिर तो वो बंदा कहीं से कहीं चला जाएगा, लेकिन पढ़ाया कुछ और गया जब ज़िंदगी में आया, काला गाउन जिस दिन पहना, डिग्री ली उस दिन के बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है, उस डिग्री को लेके कहाँ जाएगा वो। तो बेरोज़गार पैदा करने की फैक्ट्रियाँ ना बने, हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ चलें, हम IIT है, ITI है, तो ताकि वो बच्चा किसी ना किसी चीज़ का एक्सपर्ट होके निकले, एक किसी स्टेट में पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिए, तो इंटरव्यू किया गया, सबका इंटरव्यू किया गया, चुन लिए गए उनको, एक को कहा गया कि इंटरव्यू आ गई आपकी, बिल्कुल सारा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है बिल्कुल सूट करता है, एक इंटरव्यू की जाएगी, जी बोलिए, 2 सवाल पूछे जाएंगे, पूछिए सर। उससे पूछा गया धरती से चांद तक की दूरी कितनी है, उसने कहा जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब मना है। अरे यार डाकिए रखने हैं आपने क्या लेना चांद की दूरी से, उससे भाई साहब खरड़ पूछ लो कि खरड़ कितनी दूर है, डेरा बसी कितनी दूर है, यहाँ चिट्ठियां बंटवानी है आपने, तो मतलब आप ऐसा सवाल पूछ रहे क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है,
किताब में लिखा हुआ है ये पूछना है, मतलब हम लोग ज्यादा ही थ्योरिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो अगर थ्योरी के साथ साथ रहेगा तो फिर मतलब ना वो बंदा मार नहीं खा सकता। थ्योरी का बेस है, प्रैक्टिकल की उसके पास समझ लो स्किल है। तो जितने भी आप लोग भी बहुत बहुत से बीसी मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत आम घरों से निकल के आए हैं, बहुत गरीबी से आए हैं निकल के, पढ़ के अपनी जिंदगी को बदला और पढ़ के आगे पढ़े, आगे पढ़ाई की आगे की, आज इस लेवल पे हैं। और ये भी लेवल आखिरी नहीं है, अभी इससे भी ऊपर जाना है, आप एक्सपर्ट बन गए, इसके बाद एजुकेशन में और भी योगदान देना है, कोच बनना है, ठीक है ना। सो मैं जो पंजाब सरकार की तरफ से एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है, और हम पहली बार हुआ है 2022 के बाद कि सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अभी ग्रैंड पेरेंट टीचर मीटिंग है 18 अक्टूबर को है, लगभग 20 लाख पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, पहली बार हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता हो कि मेरे बच्चे को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और मेरा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, और टीचर्स को भी पता हो स्कूल के बाद बच्चा कहाँ जाता है, वो कौन से माहौल में रहता है। यहाँ से तो हमने छुट्टी करके भेज दिया, वहाँ संगत उसकी कैसी है, कौन से बच्चों के साथ खेलता है, ये पेरेंट्स बता सकते हैं। तो ये वाला कनेक्शन बहुत कामयाब रहा है हमारा। दूसरा जो हेडमास्टर है, चलो आप बड़े हेडमास्टर हो यूनिवर्सिटी के, उनका तो टाइम ही इस चक्कर में जाता है, फलां बाथरूम नहीं, टूटियाँ खराब हैं, फलां बल्ब नहीं चल रहा, वहाँ बेंच टूट गया। अध्यापक हेडमास्टर का ध्यान हो स्कूल की मैनेजमेंट पर, ध्यान देना स्कूल को कैसे आगे लेके जाना है, क्या फ्यूचर के प्लान क्या करने हैं, कौन सा दिन 15 अगस्त आ रहा है कैसे मनाना है। हमने क्या किया, हमने कैंपस मैनेजर रखे हैं, छुट्टी के बाद वो बंदे स्कूल की हिफाजत करते हैं। छुट्टी के बाद स्कूल में कौन आता है, स्कूल आमतौर पर स्कूल तो गांव में बीच में होता है, पता चला है सर कि छुट्टी के बाद स्कूल बहुत से स्कूलों में ड्रग वाले चले जाते हैं, वो एक सुनसान जगह हो जाती है छुट्टी के बाद, वहाँ बैठ के वो ड्रग लेते हैं या कुछ दीवारों पे अश्लील शब्द लिख जाते हैं, बाथरूमों में लिख जाते हैं, तो माहौल स्कूल का वो नहीं रहता। तो अब हमने सिक्योरिटी के लिए अलग से, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाई का काम करें, अभी टीचर से पढ़ाई के बिना बाकी सारे काम लिए जाते हैं, चाहे वो जनगणना करवानी है, चाहे वो वोट गिनवाने हैं, चाहे वो कोरोना के समय तो बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी आपने, चेक करना है कोरोना किसको है किसको नहीं है। तो मतलब टीचर को अगर आप फ्री रखोगे, टीचर को सेफ रखोगे, टीचर अपने भविष्य के बारे में तो कम से कम ना चिंतित हो, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो आप लोग के हाथों से, आप लोग के रहनुमाई में बहुत बड़े बड़े देश के आने वाले नेता भी, वकील भी, जज भी, पूरा सिस्टम आपके यहाँ से निकलेगा। और वो फ़ोटो जो खिंचवाई जाती है, जो 10th वाली या प्लस टू वाली या यूनिवर्सिटी वाली, वो इसीलिए खिंचवाई जाती है कि बाद में याद कर सकें कि ये जो फलां फलां जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है, ये हमारे साथ पढ़ता था, ये जो पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं, ये हमारे साथ राजस्थान में पढ़ते थे उदयपुर में, और तो मार्क करके रखते हैं कि हम इनको जानते हैं ना, तो ये बड़ी बात होती है। तो अचीवर्स आपके पास बहुत हैं, इट्स अप टू यू कि उनको इतना तराश दो कि वो हीरे बन के निकलें। कोयले और हीरे का केमिकल फार्मूला सेम होता है, हीट का ही फर्क होता है बस। तो आप हीरे बना के वहाँ से निकालिए, उन हीरों को संभालना, आपका नाम ऊंचा करना, अपने टीचरों की रिस्पेक्ट, अगर हीरे ही बन गया उसको पता ही होगा फिर कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, कितना मर्जी बड़ा बन जाए बंदा, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने गांव वालों से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ वो खेला होता है, उनके हाथों में खेला होता है। अगर किसी ने बड़ा बनने की कोशिश की है तो वो अकेला पड़ जाता है। कई टीचर कहते हैं यार पढ़ा तो मेरे पास ही था लेकिन अब उसकी हवा खराब हो गई है ना। अगर आप उसी टीचर को पाँव छू लोगे, सर मैं आपके पास, हो सकता है टीचर को ना पता हो कौन हो तुम, सर मैं आपके पास पढ़ा था, उसका मान ऊंचा हो जाता है, अच्छा मेरी क्लास, मेरा स्टूडेंट मुझे याद रख रहा है। तो आप लोग भी बहुत से हर रोज स्टूडेंटों, आपके भी फेवरेट स्टूडेंट होंगे यूनिवर्सिटी में बहुत से, हर रोज आई कॉन्टैक्ट होता होगा, आप उनको कुछ बनते जाओ, उनकी आंखों की चमक देखते होगे, मुझे उम्मीद है उस चमक को आप हीरे की चमक में बदल दोगे, और वो दिन पंजाब के लिए बहुत रंगला होगा। और ये इस अभी आप बैठे हो, ये तो सिर्फ फॉर्मल चल रहा है, अभी आपकी भी आपस में जब लंच हो, जब टी के समय जब ऐसे खड़े हुए, आपकी भी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी आपस में, क्या चल रहा है भाई, कोई आइडियाज लेके जाओगे, जहाँ से कुछ आइडियाज लेके जाओगे। तो ऐसे ही गिव एंड टेक है,
हर चीज़ क्रिएटिविटी जो है वो ऐसी निकलती है किसी ना किसी घटना से या किसी ना किसी, वो कहते हैं लोड कार्ड दी माँ है, तो ज़रूरत जो है वो हर एक जो कार्ड कढ़नी है खोज करनी है वो जननी होंगी है। सो मेरे वालों बहुत बहुत थानू मुबारक भी ने अज के इस सफल वर्कशॉप दियाँ और मैं उम्मीद है तुसी बहुत कुछ इतों लेके जाओगे। और गवर्नर साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो सेमिनार हैं वो उनकी थोड़ी जो इनमें दिनों की गिनती है इसमें दोबारा अगले वाले वो कम की जाए, जल्दी जल्दी ऐसे मिला करें, रिजल्ट्स पे बात करें, आने वाले फ्यूचर में एडमिशन्स पे बात करें, सब्जेक्ट कौन से चेंज हो रहे हैं, कौन से नए आ रहे हैं, लाइब्रेरी का क्या हाल है, स्कूल कॉलेज में क्या हाल है, कल्चर एक्टिविटीज़ में बुलाएं, गवर्नर साहब आपके चांसलर हैं बुलाएं इनको, और इनको भी पता चले यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हमारे पास कितने बड़े बड़े कैंपस हैं और कितनी बड़ी बड़ी हमारी शानदार बिल्डिंग है और कितना बड़ा एकेडमिक भी, कल्चरल भी और हर किस्म का टैलेंट भी हमारे पास है। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सेमिनार जो हैं वो कारगर सिद्ध होंगे और पंजाब जो है वो पहले भी नंबर वन हर 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 लहर को पंजाब ने लीड किया, चाहे वो आज़ादी की, चाहे वो